आप सभी लोगों का द्विवेदी अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेस क्या होता है, किस तरीके से, किस आधार पर हम क्लासिफिकेशन करें, किस आधार पर हम जीवों को बांटें, किस आधार पर हम जीवों का वर्गीकरण करें, ये आज हमें इस टॉपिक में सीखना है। ठीक है, तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने यहाँ लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपको समझाने के लिए। ये पॉइंट सिर्फ आपको समझने के लिए लिखने हैं, ना कि आपको रटने के लिए। यहाँ रटना नहीं है, इनको बस अच्छे से समझना है। जो भी बर्ड मीनिंग प्रॉब्लम है उसको, बर्ड मीनिंग को आप डिक्शनरी से ढूंढ सकते हैं। कुछ बर्ड मीनिंग की जैसे कि मैं मदद कर देता हूँ तो वो मैं मदद करूंगा। तो फिलहाल मैं चलता हूँ आगे। तो वी फॉलो अ क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द हायरार्की। दरअसल क्या होता है, क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है, कौन कौन सा फॉलो कर रहे हैं, तो हम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है बेस्ड ऑन हायरार्की पर हम जो आधारित है, हायरार्की पर जो आधारित है, उस क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम की खासियत क्या है, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में हायरार्की में दरअसल वैज्ञानिकों के द्वारा जीवों को वर्गीकृत करने का एक तरीका निकाला हुआ है, एक मेथड है। तो इस मेथड के अंदर हम जीवों के अंदर की विशेष विशेष करेक्टरिस्टिक को देखते हैं और उन करेक्टरिस्टिक्स के आधार पर इन जीवों को हम क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, इन जीवों को हम बांटते हैं और बांटने के बाद में हम उन्हें अच्छे से याद भी कर लेते हैं, रिमेम्बर कर लेते हैं। रिमेम्बर करना पढ़ाई का मतलब, याद करना पढ़ाई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आप स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें कि आपको जरूर ही चीजों को याद रखना है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा था हायरार्की की। तो वी फर्स्ट टेक द क्राइटेरिया करेक्टर्स विच आर वेरी ब्रॉड। सबसे पहले हम ऐसे क्राइटेरिया और करेक्टर्स को लेते हैं, करेक्टर्स मतलब गुण और विशेषताओं को लेते हैं, विच आर वेरी ब्रॉड, जो बहुत ही ब्रॉड होती है। ब्रॉड का मतलब ये नहीं कोई चीज चौड़ी है, ब्रॉड का मतलब बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे जीवों को अपने अंदर शामिल कर ले। एग्जाम्पल के तौर पर एक ब्रॉड करेक्टरिस्टिक आपको मैं बताता हूँ। जैसे मैं बात करूँ प्लांट किंगडम के बारे में और एनिमल किंगडम के बारे में, तो प्लांट किंगडम जो होता है उसके अंदर सारे के सारे पौधे आ जाते हैं, हमें ज्यादा कुछ उनमें याद करने की जरूरत नहीं, ज्यादा कुछ क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखो इतने बहुत ही ज्यादा ब्रॉड कैटेगरीज में हमने दो चीजों को बांट दिया, एक हो गया प्लांट किंगडम हो गया, एक एनिमल किंगडम हो गया। तो प्लांट किंगडम के अंदर सारे के सारे विश्व के जितने भी जीव जंतु वो आ गए, और एनिमल किंगडम में सारे के सारे विश्व में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो सारे आ गए। तो एक बहुत ही ब्रॉड करेक्टरिस्टिक है बांटने के लिए, तो एक क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीज क्राइटेरिया हेल्प अस टू डिवाइड द ऑर्गेनिज्म एट ब्रॉडेस्ट लेवल। तो ये जो क्राइटेरिया है हेल्प अस टू डिवाइड, ये क्राइटेरिया हमें मदद करती है डिवाइड करने में, किस चीज को डिवाइड करने में, जीव जंतुओं को बड़े लेवल पर। जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, वी हैव टू पिकअप द नेक्स्ट सेट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर मेकिंग द सब ग्रुप विद इन द दीज डिवीजन। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने मान लो कि सबसे पहले बड़े लेवल पर बांट रखे जीवों को, हमने बांट लिया, किसमें बांट लिया, प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में। फिर हम इसके अंदर भी सब डिवीजन करते हैं, इसके अंदर भी नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक को उठा करके और भी ग्रुप बनाते हैं। अब वो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, जैसे अगर एनिमल किंगडम में बात की जाए तो हम एक काम कर सकते हैं, जातियों में बांट सकते हैं जीवों को। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डॉग अलग प्रजाति का जीव है, इधर आपका एलिफेंट अलग प्रजाति का जीव है, और टाइगर बिल्कुल ही अलग प्रजाति का जीव है। तो ये जो अलग अलग जातियों के, अलग अलग स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको फिर अलग अलग करेक्टरिस्टिक के बेस पर बांटा जाता है। तो वी हैव टू पिक अप द नेक्स्ट सेट ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स फॉर मेकिंग द सब ग्रुप विद इन दीज डिवीजन। अब जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक हम जो उठाते हैं वो पिछले करेक्टरिस्टिक से रिलेटेड होनी चाहिए। अब कैसे, जैसे मान लो कि प्लांट किंगडम है, तो प्लांट किंगडम में हम प्लांट की ही करेक्टरिस्टिक लेंगे। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या बना कि हम प्लांट के बारे में ही सिर्फ उस करेक्टरिस्टिक में बात करेंगे और उसी के नीचे हम सब ग्रुप बनाएंगे, सब डिविजन्स बनाएंगे। और जिधर आप, जो आपका एनिमल किंगडम होता है उसमें सिर्फ हम एनिमल के अंदर ही ग्रुप बनाएंगे, ना कि हम कुछ प्लांट के मतलब जीव या प्रजातियों को हम नहीं लेंगे, किसमें, एनिमल किंगडम में। और इधर आपका जो प्लांट किंगडम है उसमें जो जीव जंतु हैं, उसमें जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको हम किसमें नहीं शामिल करेंगे, एनिमल किंगडम में शामिल नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जो हम अगली नेक्स्ट लेवल की जो
डिवीजन बनाने जा रहे होते हैं वो पिछले वाली करेक्टरिस्टिक से हमेशा रिलेटेड होती है, ठीक है। द चॉइस ऑफ द करेक्टरिस्टिक इन द नेक्स्ट लेवल डिपेंड ऑन द प्रीवियस वन। जैसे कि आपको मैंने बताया कि चॉइस होती करेक्टरिस्टिक की नेक्स्ट लेवल वाली, जो करेक्टरिस्टिक आने वाली है नेक्स्ट लेवल पे जो डिवीजन होने वाला है उसकी करेक्टरिस्टिक की चॉइस हमेशा प्रीवियस वन से ही डिसाइड होती है, पिछले वाले जो करेक्टरिस्टिक है उससे ही डिसाइड होती है। अब जैसे हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर बहुत सारे हमने एक प्लांट किंगडम जब हमने बनाया, प्लांट को हमने क्लासिफाई किया एनिमल और प्लांट में, तो प्लांट एक बड़ा किंगडम बना जिसके अंदर बहुत सारे प्लांट थे, अलग अलग तरह के प्लांट थे। अब उन प्लांट के अंदर हम डिवीजन बनाएंगे, अलग अलग प्रजाति के प्लांट को अलग अलग ग्रुप में रखेंगे। तो अलग अलग ग्रुप में जब रख रहे थे तो उस समय हमें ये देखना पड़ता है कि जो हम डिवीजन करने जा रहे हैं वो पिछले हमारे प्लांट से ही संबंधित होना चाहिए, हम कोई और चीज उसमें शामिल नहीं कर सकते सिवा प्लांट के, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेस होता है किसका, क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन करते समय इन चीजों का वैज्ञानिक ध्यान रखते हैं, और अगर हम आगे पढ़ने के बाद में जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं या जीव जंतु के बारे में हम स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें भी इसी बेस पर क्लासिफिकेशन करना होगा। अभी और भी कुछ हमें पढ़ाना है इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिए वीडियो के साथ में। थैंक यू। तो हमारे पास में कुछ वर्ड मीनिंग मैंने यहां लिखे हुए हैं आपको समझाने के लिए। क्लासिफिकेशन सिस्टम, वर्गीकरण का तरीका, या क्लासिफिकेशन सिस्टम का मतलब ये हो जाता है वर्गीकरण का तरीके के अलावा, जैसे तंत्र होता है सिस्टम का मतलब तंत्र भी होता है। तो यहाँ पर हम अभी आसान भाषा में समझ के चलें, क्लासिफिकेशन सिस्टम का मतलब वर्गीकरण का तरीका बेस्ड ऑन पर आधारित, ठीक है। और क्राइटेरिया का मतलब होता है मापदंड, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव जंतु, और यहाँ पर करैक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषता, डिवीजन का मतलब होता है, ये आपका डिवीजन लिखा है इसका मतलब विभाजन से होता है, डिपेंड ऑन का मतलब होता है पर निर्भर या किसी पर आधारित, पर आधारित प्रीवियस वन मतलब पिछला। तो इस तरीके से चॉइस का मतलब होता है हमारा, चॉइस से मतलब होता है इच्छा से, ठीक है, कि हमारी जो भी इच्छा है उस आधार पर हमारे पास में जैसे चॉइस बनती है, ऑप्शन बनते हैं, तो चॉइस से यहाँ पर लेना है ऑप्शन से कि हमारे पास कितने ऑप्शन है। इसका शाब्दिक अर्थ जो हिंदी में, वो इतना अच्छा नहीं पता मुझे, पर चॉइस के बारे में आप लोग वैसे ही समझते, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ब्रॉड का मतलब तो आप जानते ही, बहुत चौड़ा या विशाल, बड़ा, यहाँ पर ब्रॉड का मतलब है बड़े से, ठीक है, बड़ा, या लिख सकते हैं तो मैं यहाँ बड़ा लिख देता हूँ, ये सब सही है ब्रॉड का मतलब, ठीक है। तो अब हमें और आगे अभी जानकारी लेनी है और भी टॉपिक के बारे में, देखते रहते हैं इस वीडियो को। अब हम जानेंगे कुछ कॉमन पॉइंट्स जो क्लासिफिकेशन में हमारी बहुत मदद करते हैं। तो वो कॉमन पॉइंट्स क्या है, कॉमन क्राइटेरिया यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि यहाँ हेडिंग पड़ी हुई है, कुछ कॉमन क्राइटेरिया है, कुछ कॉमन मापदंड है, ठीक है। क्राइटेरिया का मतलब जैसे मैंने अभी बताया था मापदंड, तो कुछ ऐसे मापदंड हैं जिनके आधार पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मैं कुछ कॉमन बता रहा हूँ, और भी होते हैं, आप ये ना समझें कि सिर्फ इतने ही सारे पॉइंट के आधार पर मतलब क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है, मतलब इतने सारे पॉइंट के बेस पर ही क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है, और भी पॉइंट्स हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं नेचर ऑफ सेल के बारे में। नेचर ऑफ सेल के बारे में अगर देखें, सेल मे बी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये तो हमने पढ़ा ही है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप सेल वाले चैप्टर में जाकर के, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में जाकर के पढ़ सकते हैं कि सेलें, सेलों के टाइप क्या होते हैं। तो यहाँ पर सेलें दो तरह की हो सकती हैं, तो उनके आधार पर सेलों को बांट दिया जाता है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो ये दो तरह की सेलें होती हैं और ये क्लासिफिकेशन में हमारी मदद करती हैं। अगला हमारे पास टॉपिक है सेलुलर कंपोजिशन, कि सेल का किस तरह से संगठन है, सेल का किस तरीके से कंपोजिशन है। तो सेल का कंपोजिशन के अगर उसके बात करें, तो जैसे हम जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो इसके आधार पर भी क्लासिफिकेशन किया जाता है, और की जगह यहाँ एंड लिख दो, क्योंकि ये एक इसका भाग है, एक तो आपका यूनिसेलुलर हो गया और एक हो गया मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर होता है कंजिस्ट मैनी सेल, कंजिस्ट
मैनी सेल, ये बहुत सारी सेलें जो रखे रखते हैं अपने अंदर कंजिस्ट करते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कह देते हैं। तो दो तरीके से यहाँ पर क्लासिफिकेशन हो सकता है इसके आधार पर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अगला आता है ऑटोट्रॉफ एंड द हेटरोट्रॉफ। ग्रीन प्लांट मेक देयर द ऑन फूड नॉन एज द ऑटोट्रॉफ। जो ग्रीन प्लांट अपना खुद खाना बना लेते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ कहते हैं। एंड एनिमल डू नॉट मेक देयर द ऑन फूड नॉन एज द हेटरोट्रॉफ, और उन्हें हेटरोट्रॉफ कह देते हैं। तो ये भी एक कैटेगराइजेशन का, क्लासिफिकेशन का एक बेस बनता है कि कौन से प्लांट ऑटोट्रॉफ हैं और कौन से प्लांट हेटरोट्रॉफ हैं, ठीक है, या कौन से जीव आपके ऑटोट्रॉफ हैं, कौन से जीव हेटरोट्रॉफ हैं। प्लांट के अंदर भी कुछ हैं ऐसे, जैसे मशरूम है आपका, वो हेटरोट्रॉफ है क्योंकि वो खुद का खाना नहीं बनाता, वो सड़ी हुई चीज़ों से, गली हुई चीज़ों से खाना लेता है। इसी तरह से आपका फंगी है, वो भी हेटरोट्रॉफ में ही आता है। तो जो प्लांट मतलब ग्रीन कलर के नहीं होते, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, वो खुद का खाना नहीं बना सकते हैं। तो ये जो आपका ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ है, प्लांट के अंदर भी क्लासिफिकेशन का एक यूनिट बन जाता है, क्लासिफिकेशन का एक कारण बन जाता है, और साथ में दो किंगडम को भी अलग कर देता है। जैसे प्लांट किंगडम जो है वो ऑटोट्रॉफ है और एनिमल किंगडम जो है वो हेटरोट्रॉफ है, तो इनको भी अलग कर देता है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन में इस यूनिट का भी यूज किया जाता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ हमने देखे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं होती है। कुछ जीव ऐसे हैं जिनकी बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे कि हम हैं, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इसी तरीके से इसके बेस पर भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हो जाता है। सम ऑर्गेनिज्म आर वेरी द सिंपल इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, बट सम आर नॉट, और जबकि कुछ ऐसे हैं जो नहीं हैं, अब मतलब सिंपल नहीं होती उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी स्ट्रक्चर उनकी सिंपल नहीं होती है। तो इस तरीके से ये यूनिट जो मैंने कॉमन यहाँ पर लिख रखी है, ये क्लासिफिकेशन में काम आती है, ठीक है। तो अभी हम और भी इस वीडियो में जानेंगे, चलते हैं आगे टॉपिक के और पढ़ते हैं आगे के टॉपिक क्या है। हमारे पास में बड़ मीनिंग है कुछ। सबसे पहले है कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब है रचना, ठीक है। और यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय, मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहु कोशिकीय, और ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है स्वपोषक, जो स्वयं खाना बना लेते, खुद अपने आप खाना बना लेते हैं, उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ, मतलब स्वपोषक। और हेटरोट्रॉफ को कहते हैं परपोषी, इन्हें क्या पढ़ते हैं, परपोषी कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन या व्यवस्था, ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग थे जो थोड़ा आपको परेशान कर सकते थे, उन वर्ड मीनिंग्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अभी हम और भी पढ़ेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो में। हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है जब हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया, और सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो कौन सा क्लासिफिकेशन था। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, और साथ में हम जो फाइव किंगडम जो क्लासिफिकेशन जिस वैज्ञानिक ने किया है, जिन्होंने भी किया है, उनके बारे में भी हम उनकी फाइव किंगडम जो क्लासिफिकेशन है उन वैज्ञानिक के, उनके नाम के साथ हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लांटी एंड एनिमिलिया। प्लांटी और एनिमिलिया के अंदर इंक्लूड होते हैं, प्लांट भी शामिल रहता है और एनिमल। ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन था और इसको किया था कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। फिर आता है आपका प्रोटिस्टा, आता है यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब इसके बाद में यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब खोज होने लगी, तब वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि और भी ज्यादा फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाए। फिर आपके एक नए वैज्ञानिक आए, ई एच हेकल। तो ई एच जो हेकल थे, उन्होंने फिर एक नया क्लासिफिकेशन किया, वो क्या था, प्रोटिस्टा था। प्रोटिस्टा जो क्लासिफिकेशन है, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर, उन पर निर्भर करता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर। उसके बाद में थर्ड टॉपिक पे आते हैं हम, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये दुनिया भर में इसे स्वीकारा जाता है। तो फाइव जो किंगडम क्लासिफिकेशन है, वाज प्रपोज्ड बाय द रॉबर्ट एच विटकर। तो इसको रॉबर्ट एच विटकर ने दिया था, ठीक है। ये कौन थे, ये एक अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट थे, ये अमेरिका के थे, और इन्होंने मतलब सबसे पहले जो आज तक जिस क्लासिफिकेशन को हम पढ़ रहे हैं, ये इन्होंने ही दिया था, एच विटकर ने। पूरा नाम था रॉबर्ट एच विटकर, ठीक है। तो दीज किंगडम
अब किंगडम्स क्या हैं? दीज किंगडम्स आर, ये आर लिखा हुआ है, थोड़ा ये पास हो गया था तो आगे थोड़ा सा गैप दे देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। दीज किंगडम्स आर, सबसे पहली किंगडम क्या है? मोनेरा, इन्होंने डिवाइड किया था, किसने बताया ये? रॉबर्ट एच विटकर ने। प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, ये पांच तरह के इन्होंने किंगडम बनाई। इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किया, किसने किया था? एच, रॉबर्ट एच विटकर ने। ठीक है, अभी हम और भी जानेंगे इसी वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में।